तो तीन दिनों के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए 30 सेकंड में ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होंगे। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन चलेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज वो प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इंदौर में रहेंगे। पीएम मोदी आज दुनिया भर से इंदौर में जुटे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज जब इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, उस समय वो अपने प्रिय राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को सच्चे मायनों में श्रद्धांजलि भी दे रहे होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति को अगर देवता बना देंगे तो वो तानाशाह बन जाएगा। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। खड़गे ने समाज के सभी वर्गों, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। खास तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे कमजोर तबके से संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को कुरुक्षेत्र पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर में पूजा की और महाआरती में भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। हरियाणा में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। रविवार को राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में पूजा की और महाआरती में भी शामिल हुए। इस बीच मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला। देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में आपदा प्रबंधन की टीम ने रिपोर्ट जारी कर आसपास के लोगों को खतरे वाले इलाकों से जल्द निकलने की सलाह दी है। इस बीच जोशीमठ मामले पर पीएमओ ने भी हाई लेवल मीटिंग की है। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकान धंसने के मामले में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में लोगों को खतरे वाले इलाकों से जल्द निकल जाने की सलाह दी गई है। सर्वे टीम ने 2 दिनों तक जोशीमठ में निरीक्षण किया और ये पाया कि जेपी कॉलोनी से मारवाड़ी ब्रिज तक पानी का फ्लो था। यही वजह है जिससे जमीन के अंदर खाली जगह बन गई और वो धंसने लगी। सर्वे टीम ने तपोवन टनल का भी दौरा किया और निरीक्षण किया। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट और टनल के पास पानी का सैंपल लिया गया है ताकि ये पता चल सके कि दरारों के लिए टनल कितनी जिम्मेदार है। और तुनिशा की मां ने तुनिशा खुदकुशी मामले में शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी न्यूज़ से खास बातचीत में तुनिशा की मां ने ये आरोप लगाए। तुनिशा खुदकुशी केस में तुनिशा की मां ने जी न्यूज़ से खास बातचीत में शिजान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शीजान के पूरे परिवार को तुनिशा की मौत का जिम्मेदार बताया है। ये सुसाइड भी हो सकता है, ये मर्डर भी हो सकता है। मेरे को पूरी डीपली इन्वेस्टिगेशन चाहिए इसकी पुलिस से। मैं महाराष्ट्र सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मेरे को पूरा जस्टिस मिले तुनिशा के लिए। तुनिशा की मां ने कहा कि शीजान तुनिशा को सिगरेट पीने और ड्रग्स की लत लगाने की कोशिश कर रहा था। उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड कानपुर में 100 से भी ज्यादा लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। बीते 24 घंटों में हार्ट अटैक से 16 और लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड मुसीबत बनी हुई है, लेकिन कानपुर में 100 से भी ज्यादा लोगों के लिए तो ये ठंड जानलेवा साबित हुई है। कानपुर में कड़कड़ाती ठंड में हार्ट अटैक से जान गंवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कानपुर में बीते 8 दिनों में हार्ट अटैक से 114 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की जान गई है। और दिल्ली के नारायणा में लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। देखिए 30 सेकंड में ये रिपोर्ट।
नारायणा की गुटखा फैक्ट्री में हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत के साथ 2 मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन मजदूरों की मौत हुई वो फैक्ट्री में सफाई का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक हादसा शाम 5 बजे के करीब उस वक्त हुआ जब सफाई कर्मचारी लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। अचानक लिफ्ट में खराबी आ गई और लिफ्ट गिर गई। हादसे के वक्त लिफ्ट में 5 लोग सवार थे। बिहार के वैशाली जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए क्या है ये वीडियो। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता ये वीडियो ध्यान से देखिए। वैशाली जिले का ये वीडियो दिखा रहा है कि बिहार में परीक्षा की चुनौती को पार करना कितना आसान है। वैशाली के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में BA पार्ट 3 की परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षा के दौरान छात्र और छात्राएं जमकर नकल करते दिखाई दिए। हैरानी की बात तो यह है कि परीक्षा के दौरान क्लासरूम से शिक्षक गायब थे। इसी दौरान एक छात्र ने नकल का ये पूरा वीडियो बना लिया। और राजस्थान के बाड़मेर में ठगी का एक मामला सामने आया। 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। बाड़मेर के एक दुकानदार से 38 लाख रुपए ठग लिए गए। पूरी ठगी फिल्मी अंदाज में की गई। दुकानदार शैतान सिंह राजपुरोहित को एक दोस्त से पता चला कि एक कंपनी कुछ ही दिनों में पैसे दोगुने कर देती है। राजपुरोहित ने तुरंत लाखों रुपए कंपनी में जमा करवा दिए। कंपनी ने एक किश्त में पैसे डबल करके शैतान सिंह राजपुरोहित को दिए। फिर शैतान सिंह ने दोबारा ज्यादा पैसे जमा करवा दिए। उसके बाद उन्हें मालूम चला कि वो ठगे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तेंदुए की दहशत से लोगों को राहत मिली है। 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुआ जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में घुसा था और फिर एक बच्चे को देखकर उसने हमला बोल दिया। बच्चे सहित पूरे परिवार ने किचन में बंद होकर किसी तरह अपनी जान बचाई और फिर वन विभाग को तेंदुए के आने की सूचना दी। वन विभाग ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह तेंदुए पर काबू पाया और उसे बेहोश कर पकड़ लिया। और महाराष्ट्र के मावल में तेंदुआ एक कंपनी में घुस गया। क्या है पूरी खबर देखिए 30 सेकंड में रिपोर्ट। मावल में महिंद्रा कंपनी की एक फैक्ट्री में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के घुसते ही हड़कंप मच गया। हालात ये बन गए कि फैक्ट्री के इस यूनिट को बंद कर दिया गया है। तेंदुए को आखिरी बार फैक्ट्री के स्टोर रूम में देखा गया। फैक्ट्री के CCTV में तेंदुए की तस्वीर कैद हो गई है, जिसके बाद वन विभाग ने स्टोर रूम के बाहर जाल बिछा दिया है। हालांकि अभी भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। कानपुर में लोगों के बीच एक गिद्ध चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है जानिए सिर्फ 30 सेकंड। यूपी के कानपुर में विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध शनिवार को बीना झाबर में ईदगाह के पास मिला। वन विभाग ने आसमान से गिरे गिद्ध को पकड़कर चिड़ियाघर प्रशासन को सौंप दिया है। गिद्ध का वजन करीब 8 किलो है। अमूमन हिमालयन गिद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में 1200 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कानपुर में मिला ये गिद्ध पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के शामली जिले के कैराना में अवैध हथियारों की खेप बरामद हुई है। पूरी खबर देखिए महज 30 सेकंड में। ये तस्वीरें कैराना की हैं, जहां पुलिस ने छापेमारी में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि पावटी कला के जंगलों में अवैध हथियार की फैक्ट्री है और वहां भारी मात्रा में अवैध हथियारों का निर्माण हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस को तमंचे कारतूस के साथ ही कई हथियार बनाने के सामान मिले। पुलिस ने छापेमारी में 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में मोबाइल चोर की बुरी हालत कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें लुधियाना के मॉडल टाउन की है। तस्वीरों को देखकर पहली नजर में पूरा मामला एक्सीडेंट का लग रहा है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। दरअसल बाइक सवार 2 लोग लड़की का फोन छीनकर भाग रहे थे।
जिसके बाद पीछे जा रही कार ने पीछा करते हुए चोरों की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सामने खड़ी दूसरी कार से पहले बाइक और फिर कार दोनों टकरा गए। झारखंड के बोकारो में धर्मांतरण को लेकर हंगामा मच गया। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। बोकारो के गोमिया में धर्मांतरण को लेकर जबरदस्त झड़प देखने को मिली। गांव वालों ने आरोप लगाया कि हजारीबाग से कुछ लोग आकर गांव में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। गांव में कुछ दिनों से एक धर्म के खिलाफ वही लोग विवादित बातें कर रहे थे, जिसके बाद गांव के लोग नाराज हो गए और धर्म प्रचार कर रहे लोगों पर हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। बिहार में एक बार फिर नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पूरी खबर देखिए सिर्फ 30 सेकंड में। पटना के करीब बिहटा में नकली शराब फैक्ट्री के खुलासे ने एक बार फिर प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बिहटा में पानी फैक्ट्री के नाम पर नकली शराब का निर्माण चल रहा था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की तो ब्रांडेड शराब कंपनी का रैपर, खाली बोतल, शराब पैक करने की मशीन भी मिली। छपरा शराब कांड के बाद बिहार में लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। और यूपी के मुरादाबाद में दो पक्षों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए लाठी डंडे लेकर भागते दिखे। क्या है मामला, देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। हाथों में लाठी डंडे बेल्ट, जिससे जो हाथ लगा वो उसे उठाकर भागने लगा। मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे की जान लेने को आतुर हो गए। घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां थाना कटघर इलाके की एकता विहार कॉलोनी में शनिवार सुबह दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहे दोनों पक्ष के लोग मजदूर वर्ग के हैं, जिनका चिनाई को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते लोगों ने लाठी डंडे उठा लिए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। पूरे उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड कहर बरपा रही है। हर दिन तापमान एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अलग अलग राज्यों में स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया जा रहा है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की तस्वीर इन दिनों ऐसी ही धुंधली है। न सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को कोई राहत मिल रही है, न ही घर में रहने वालों को। हर तरफ बस अलाव का ही सहारा है। ठंड के इस बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अलग अलग शहरों में स्कूलों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में भी मौसम विभाग ने 38 जिलों के लिए शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे बिहार के लिए भी बेहद अहम है। राज्य में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।